सो हेलो, व्हाट इज़ अप गाइस। तो हम आ चुके हैं आज आपके लिए एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से। और जो आज की वीडियो है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि जो टॉपिक है ना, इससे रिलेटेड बहुत कम वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे। तो मतलब आपको जो कलर स्क्रीन मिलती है ना, जो मोबाइल की, वो डिफ़ॉल्ट ही देखने को मिलती है। मतलब कोई भी कंपनी का मोबाइल ले लीजिए आप, उसके अंदर जो स्टार्टिंग में जो कलर स्क्रीन देखने को मिलती है, मतलब लास्ट तक जब तक आपका फ़ोन ख़राब नहीं होता, सब तब तक वही कलर स्क्रीन देखने को मिलती है। आप मोबाइल में हर चीज़ कस्टमाइज़ कर लेते हैं, मतलब कि लॉन्चर वगैरह डाल के, बट जो कलर स्क्रीन है ना, वो आपकी डिफ़ॉल्ट ही रह जाती है। या फिर जो कोई जैसे एम आई वगैरह के फ़ोन है, उसमें आप थीम स्टोर से थीम डाउनलोड करें, तो उसके अंदर भी जो कलर स्क्रीन है वो डिफ़ॉल्ट रहती है, बट थोड़ा सा ही उसके अंदर कलर ग्रेडिंग वगैरह का चेंज होता है, ज़्यादा कुछ उसमें चेंज होता नहीं है। तो आज इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो लेके आया हूँ कि आप अपनी जो कलर स्क्रीन है उसको ईजिली कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक एक स्मॉल छोटा सा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और वो ऐप ऐसा भी नहीं है कि आपको लैग करता हुआ नजर आएगा, कि पहले आपकी कलर स्क्रीन आ रही है डिफ़ॉल्ट, देन उसके बाद वो ऐप आ रहा है, बट वो बिल्कुल स्मूथली वर्क करेगा। मैं आपको करके दिखाऊँगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मेरे पास जो फ़ोन है वो है सैमसंग का गैलेक्सी A50। स्ट्रिक करने के लिए तो मैं आपको एक बार पहले इसकी कॉलर स्क्रीन दिखा देता हूँ कि आपको कैसी कॉलर स्क्रीन मिलती है देखने को। तो आपको जो स्टार्टिंग में कॉलर स्क्रीन देखने को मिलती है, वो ऐसी कॉलर स्क्रीन देखने को मिलती है, मतलब जो सैमसंग की डिफ़ॉल्ट कॉलर स्क्रीन होती है वो ये होती है। तो आपको अब इस कॉलर स्क्रीन को चेंज करने के लिए क्या करना होगा, तो मैं एक बार फ़ोन को काट देता हूँ। देन इसके बाद आपको सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ट्रिक के लिए जो आपको ऐप चाहिए उसका नाम है वानी, और ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस ऐप को जब जैसे आप ओपन करेंगे ना, तो आपको इसको कुछ परमिशंस देनी पड़ेंगी। तो मैं परमिशंस दे देता हूँ आपके सामने ही, कि बाद में आप ये ना पूछें कि क्या क्या परमिशन देनी थी। तो पहले आपको इसको जो डिस्प्ले होता है ना, और दूसरे ऐप्स के ऊपर, उसके लिए आपको परमिशन देनी पड़ेगी। देन उसके बाद आपको कुछ मतलब कि जो आपके फ़ोन कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं, उसकी जो परमिशन देनी पड़ेगी, ताकि ये बढ़िया तरीके से रन कर सके। और एक लास्ट परमिशन है, वो भी मैंने दे दी है। और देने के बाद देखिए कि जो ऐप है वो स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको इसका इंटरफेस देखने को मिलता है। तो आपको नीचे जो आइकन्स देखने को मिलते हैं, उसमें आपको सेकंड वाले आइकन पर क्लिक करना है। देन उसके बाद देखिए, आपको इसके अंदर चार तरीके की थीम देखने को मिलते हैं, मतलब कि चार तरीके की जो थीम है ना, वो देखने को मिलते हैं। फर्स्ट में ये कुछ इनके प्री इंस्टॉल्ड वॉलपेपर्स हैं, ये देखने को। अगर आप फिर इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है ना, इसके अंदर आप अपनी फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए। और जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे ना, तो आपको गैलरी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आप गैलरी के ऑप्शन में जाएंगे, तो मैं कोई भी फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ, जैसे मैं ये वॉलपेपर चूज़ कर लेता हूँ। करने के बाद आप क्रॉप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रॉप पे क्लिक कर देंगे, तो आपको दिखा देगा कि आपका ऐसा जो कलर स्क्रीन आएगी। तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, और देखिए मैं अप्लाई करने के बाद कर देता हूँ ऐप को बंद। सो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ कि आप कैसे कैसे ये कर सकते हैं। तो आपकी जो कॉलर स्क्रीन है बिल्कुल लैग नहीं होगी, मतलब कि ज़्यादातर फ़ोन में क्या देखने को मिलता है, अगर आप थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करते हैं ना, तो जो कॉल स्क्रीन है ना, पहले आपकी जो डिफ़ॉल्ट वाली है वो आती है, देन उसके बाद जो ओरिजिनल कॉल स्क्रीन है ना वो आती है। बट इसके अंदर ये नहीं है कि मतलब कि बिल्कुल भी लैग नहीं होगा, आपका जो परफेक्ट तरीके से काम करेगा। तो अगर मैं स्क्रीन ऑन रखूँगा, तो ये डायरेक्ट नोटिफिकेशन में कॉल दिखाएगा, बट मैं अगर मैं स्क्रीन को ऑफ़ कर देता हूँ एक बार, और फिर कॉल करता हूँ, तो आपको देखना कि आपको जो पूरी स्क्रीन पे ऊपर कॉल देखने को मिलेगी, और बिल्कुल लैग नहीं होगा देखना, बिल्कुल भी, मतलब कि डायरेक्ट कॉल आएगा इसके अंदर, कोई डिफ़ॉल्ट। तो देखिए बिल्कुल डायरेक्ट जो आता है ना, वैसे कॉल आ रहा है, इसके अंदर कोई वो नहीं है। और इसके अंदर और भी अदर फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे ये है एक कार्ड ऊपर डिसमिस करने के लिए, आंसर करने के लिए। नीचे आपको स्पीकर का बटन दे रखा है, और इस साइड दे रखा है आपको जो मैसेज का है वो, और ऊपर आप व्हाट्सएप भी डायरेक्ट चैट कर सकते हैं इस नंबर से, और ये साइलेंट का ऑप्शन आपके फ़ोन को साइलेंट करने के लिए। तो बिल्कुल कॉलर स्क्रीन डिफरेंट है। आप इसमें चाहें ना, तो बढ़िया बढ़िया इमेजेस लगा सकते हैं, या फिर कस्टम इमेजेस लगा सकते हैं, मतलब कि जैसे किसी की, मतलब किसी का फ़ोन आ रहा था, उसी की आप इमेज लगा ले कस्टम हर बंदे के लिए। और चाहें तो इसके अंदर आप वो भी कर सकते हैं कि मतलब कि जो कस्टम होता है ना रिंगटोन, आप हर किसी के लिए कस्टम रिंगटोन सेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो है ना लैग का जो मामला मैंने आपको बताया था, कि इसके अंदर बिल्कुल भी लैग नहीं करता ये वाला फीचर। और ये जो ऐप है, ये प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री है, तो आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और जो इसके कुछ और फीचर्स है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इन पर जाने के बाद आप इसमें सेट भी कर सकते हैं, कि अगर आप फ़ोन नहीं उठा रहे, तो जो जो कॉलर है उसको क्या आंसर मिलना चाहिए, या फिर जो ऑटो रिप्लाई वाला ऑप्शन है, वो भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस इन फ्यूचर आपको मिलती रहें।